स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग जो पढ़ रहे थे यस हम लोग क्लासेस में वो क्या था, जाहिर सी बात है हम लोग कंपोजिशन स्कीम पढ़े हैं। कंपोजिशन स्कीम में कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो देखिए सब लोग यहाँ पे दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कैसे करें, किस तरीके से हम लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले चीज़ बोल रखा है क्या, कंपोजिशन डीलर अंडर द प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज करो वैट में थे, वैट में भी पहले वैट में भी आपका कंपोजिशन स्कीम था, कंपोजिट डीलर उसमें भी हुआ करते थे, वहाँ पे टर्नओवर लिमिट थी, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे इस समय टर्नओवर लिमिट, उस समय भी टर्नओवर लिमिट हुआ करती थी। अगर आप वैट में कंपोजिशन स्कीम कंपोजिट डीलर थे, यदि सप्लायर इज रजिस्टर्ड एज कंपोजिशन डीलर इन प्रीवियस लॉ, जैसे कि वैट में, सेंट्रल एक्साइज में, देन ही कैन अप्लाई ऑल्सो अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी इन फॉर्म जीएसटी CMP 01। तो उनके लिए फॉर्म था जीएसटी CMP, मतलब समझ गए कंपोजिशन 01। लेकिन जाहिर सी बात है ये कब की बात होगी, जब अपॉइंटेड डे की बात हुई होगी, 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो लोग पुराने लॉ में भी कंपोजिट डीलर थे, नए लॉ में भी कंपोजिशन स्कीम में आना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए जो फॉर्म बनाया गया था वो था फॉर्म GST CMP 01। और इसको कितने दिन के अंदर भरना था, ड्यूली साइंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हो, 1 जुलाई 2017 के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये भरना था। हालांकि बाद में इसमें टाइम और मिला था। हाउएवर वंस ऑप्शंस एक्सरसाइज शैल रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज दे सेटिस्फाई द ओल्ड कंडीशंस। एक बार तुम अगर सपोज करो तुम कंपोजिशन स्कीम में आ गए, फिर तुम ये तब तक उस स्कीम में रह सकते हो जब तक तुम कंडीशंस को फॉलो करोगे, यानी कि तुम इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करोगे, तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान नहीं बेचोगे, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है जो यू शुड टू फॉलो, या टर्नओवर तुम्हारा उस लिमिटेड लिमिट को क्रॉस ना करे। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल ऑफ स्टॉक। अब देखो CMP 01 में तो हम अप्लाई करते कि हमें भाई कंपोजिशन स्कीम चाहिए GST में, ठीक है, फिर गवर्नमेंट बोलती है ठीक है ये तो ठीक है, मैं चलो तुम्हारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अब क्या करो, इस एप्लीकेशन के साथ साथ मेरे को स्टॉक की डिटेल भी दो कि तुम्हारे पास इस समय दुकान में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाई, जितनी भी इनवर्ड सप्लाई है तुम्हारी, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इवन दो तुमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी जो सामान खरीदा उसकी भी डिटेल मुझे दो, हेल्ड बाई हिम, जो इस समय तुम्हारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है, किस समय स्टॉक में पड़ी है, जिस दिन तुम जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम में तुम जाना चाह रहे हो, ऑन द पे प्रिसीडिंग ऑन द डे प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन। और ये स्टॉक की डिटेल आपको भरनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली, सब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म, सबको पता है कि जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म है, तो ऑनलाइन ही इसको भी सबमिट करना है। इसके लिए आपको फॉर्म है फॉर्म GST CMP 01। तो आप समझ गए GST CMP 01 तो अप्लीकेशन होता है कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम चाहिए, और GST CMP 03 जिसमें कि हम अपने स्टॉक का डिटेल देंगे। अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो 30 दिन का समय दिया था, लेकिन जब स्टॉक की डिटेल कर रहे हैं तो स्टॉक की डिटेल के लिए 60 दिन का समय दिया है कि आप 60 दिन के अंदर अपना स्टॉक की डिटेल दे दो। अब जो देखें यहाँ पे नॉर्मल डीलर टू कंपोजिशन डीलर, अगर तुम नॉर्मल डीलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, नॉर्मल मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, रेगुलर डीलर की बात कर रहे हो, तो उससे तुम कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो। If any registered person, normal dealer, wants to opt composition scheme, sell electronically, file intimation in form GST CMP 02। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म भरना होगा GST CMP 02, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप चाहते हो किस में आना, कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये कब करना होगा, फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अगर सपोज करो आप रेगुलर डीलर हो, आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आप अगले साल का वेट करो, साल शुरू होने का 1 अप्रैल को, उस समय तुम क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपको मैं बता दूँ, ये भले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय में समय दी है गवर्नमेंट ने, अभी जैसे पीछे समय दिया था, मई तक का समय दिया था कि आप मई में जिन्होंने भी रेगुलर डीलर में ले रखा है, आप मई में आप क्या कर सकते हो, 31 मई तक आप अपना कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो।
अब तो थोड़ा सा ये पॉइंट जो इन्होंने लिखा है कि उस समय बिल्कुल सही है, जब स्टार्टिंग में लॉ बना था उस टाइम यही था कि अगर आपने एक बार रेगुलर डीलर ऑप्ट कर लिया फिर उससे कंपोजिशन स्कीम में स्विच करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ये एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में, जीएसटी सीएमपी 02। ही ऑल्सो रिक्वायर टू फर्निश जीएसटी आईडी C3 विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। और आपको पता है उसके साथ ही साथ उसको जीएसटी आईटीसी 03 भी भरना पड़ेगा। क्यों सर आईटीसी की बात कर रहे हैं? आईटीसी की बात इसलिए आ गई क्योंकि आप रेगुलर डीलर थे, उस समय आईटीसी लेते थे, ठीक है। तो उस सारे गुड्स की डिटेल आप दो, जो आपने गुड्स परचेज की है वो भी कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर। अब इन एडिशन टू द अबव ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in request of input held in stock। अरे छोड़ो, इतना बड़ा पॉइंट हम नहीं पढ़े तो अच्छा है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि सिंपल सी चीज़ है। अगर आप क्या कर रहे हो, रेगुलर डीलर से कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाह रहे हो तो आपको जो भी पिछली लाइबिलिटीज़ हैं उन सब का पेमेंट करना पड़ेगा आईटीसी ओटीसी लेने के बाद। आईटीसी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद फिर आप जितना भी आपकी लाइबिलिटी बनती है वो सारा अमाउंट आप पे कर दीजिए। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर नए टर्म्स आगे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग आगे इसको अच्छे से स्टडी करेंगे थोड़ा ये, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक ऐसा लेजर होता है जहाँ पे हम लोग पैसा जमा करते हैं और ये जो पैसा जमा करते हैं ये सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। एक अब क्या है, एनी इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम फॉर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी डीम्ड फॉर ऑल अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर सपोज करो तुम तुम्हारे दो बिजनेस हैं, बिहार में भी है गोरखपुर में भी, और तुम रेगुलर डील से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम में जाओगे तो दोनों दुकानें कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रेगुलर रहेगा एक कंपोजिशन, इस पर हम लोग कल भी स्टडी किए थे। नाउ नेक्स्ट, कंपोजिट डीलर टू नॉर्मल डीलर। अब मान लो तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, अब 1.5 करोड़ टर्नओवर है या फिर जो भी है, तुमने इंटरस्टेट आउटपुट सप्लाई कर दिया गलती से, तो तुम जाहिर सी बात है कंपोजिट डीलर से नॉर्मल डीलर में चले जाओ। इवन दो अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करता है तब भी तुम स्विच करोगे किसमें, रेगुलर डीलर में। तो हाउ, कैसे, चलिए इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला केस बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। इफ ड्यूरिंग द करंट ईयर टर्नओवर एक्सीड 1.5 करोड़, देन द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज नॉर्मल डीलर। अब आप नॉर्मल डीलर की तरह टैक्स देंगे। इन दिस केस द कंपोजिशन सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04। ये याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए और इंटरव्यूज में पूछते भी हैं। तो जीएसटी सीएमपी 04 होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपोजिशन से रेगुलर डीलर में स्विच करते हैं। और ये कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हमें भरना होता है। यानी जिस दिन मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ, मान लो आज मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ, तो आज से 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को जीएसटी सीएमपी 04 भर देना है। डिटेल ऑफ स्टॉक कैपिटल गुड्स, तुम्हारे पास क्या स्टॉक है, क्या कैपिटल गुड्स है, यानी जो मशीन वशीन है, एज ऑन द डे व्हेन कंपोजिट डीलर इज बिकमिंग द नॉर्मल डीलर, है ना, आर रिक्वायर्ड टू फाइल इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 within 30 days from, sorry, to take the credit of input on the same, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक की डिटेल और कैपिटल गुड्स की भी डिटेल देनी होगी, जिसके ऊपर भी आप आईटीसी क्लेम कर आपका होने वाला है या मिलेगा, उसकी डिटेल आपको जीएसटी आईटीसी 01 में देना। आईटीसी क्यों, आपको पता है आईटीसी मिलेगी, यानी कि जिस दिन भी आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया, आप जीएसटी सीएमपी 04 7 दिन के अंदर भर दीजिए और 30 दिन के अंदर अंदर अपने उन सारे स्टॉक और गुड्स की डिटेल दे दीजिए। जिस दिन तुम्हारा 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हुआ उस दिन तुम्हारे पास कितना स्टॉक था, कितना कैपिटल गुड्स था, ताकि गवर्नमेंट तुम्हें उसे उसकी आईटीसी दे सके। क्योंकि जब तक कंपोजिट डीलर में थे तुमको आईटीसी मिल नहीं रही थी, अब जैसे रेगुलर डीलर में गए अब तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए, एक एग्जांपल दे रखा है, टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज 69 lakh. Mr. A has opted for composition scheme. इन्होंने composition scheme ले लिया. During the year 18 February 2018, turnover of Mr. A exceed 1.5 crore. What compliances are required to do Mr. A?
तो देखो यहाँ पे दे रखा है मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग कंप्लायंसेस। नंबर वन, पहला पेपर वर्क क्या करना होगा, फाइल फॉर्म जीएसटी सीएमपी 4 विद इन 7 डेज, यानी कि अगर हम 18 फरवरी को 1.5 करोड़ क्रॉस किया है तो 7 दिन जोड़ लो, 25 फरवरी आती है, 25 फरवरी तक हमें जीएसटी सीएमपी 04 भर देना है। फिर डिटेल ऑफ स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स एज ऑन 18 फरवरी आर रिक्वायर्ड, यानी 18 फरवरी को जिस दिन मेरा क्रॉस किया टर्नओवर, उस दिन मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना कैपिटल गुड्स यानी मशीनें हैं, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आर रिक्वायर्ड टू फाइल इन जीएसटी आईटीसी 01 विद इन 30 डेज, यानी अगर 18 फरवरी से अगर हम जोड़ें 30 दिन तो जाहिर सी बात है 20 मार्च आ जाता है टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, मतलब आईटीसी लेने के लिए। तो ये दो काम आपको करने पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी केस ले लो, चाहे आपको कंपोजिशन डीलर प्रीवियस लॉ में थे, ये तो खैर अब केस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जिनको भी कंपोजिशन स्कीम आना था वो लोग आ चुके हैं। नॉर्मल डीलर से कंज्यूम कंपोजिशन डीलर में आ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और जब लिमिट पड़ी थी, ये क्या नाम है, 75 लाख से बढ़ के 1.5 करोड़ हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में स्विच किया, या गलती से कभी कभी हो जाता है, नॉन रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर कंपोजिशन डीलर में करना है, तो फिर ये रूल्स को पता होना चाहिए कौन से फॉर्म है। कंपोजिशन डीलर से रेगुलर डीलर में जाने के लिए भी आपको मैंने बता दिया तरीका क्या होना चाहिए, उस पर एक एग्जाम्पल भी हमने स्टडी कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पढ़ना है। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स की बात करेंगे। जैसे एग्जेम्पशन सबको समझ में आता है, इनकम टैक्स ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, और एग्जेम्पशन मतलब होता है कर मुक्त एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखी है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट कैसे किसी चीज़ को एग्जेम्प्ट करती है, तो चलिए उसका नियम यहाँ पे देखो पढ़ती है। पूरा एक सेंटेंस है जिसको अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट, वेयर द गवर्नमेंट सेटिस्फाई, यानी सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसिटी की चीज़ है, और अगर हम इस पर टैक्स लगा देंगे तो उससे उसका दाम बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड पे असर पड़ सकता है, या फिर कह लो जो बहुत ज़रूरी है चीज़ें हमें उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को समझती है। वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक यानी जनता के हितों के लिए है, ज़रूरी है कि उस पर जीएसटी ना चार्ज किया जाए, तो इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, कि उसे करना चाहिए। इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, और इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल का मतलब समझ रहे हो सब लोग, यानी कि जीएसटी काउंसिल आपको पता है सुप्रीम है जीएसटी से रिलेटेड सारे रूल्स को बनाने के लिए, तो जीएसटी जो है वो इसको क्या कर रही है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन, यानी जीएसटी काउंसिल क्या करती है, रिकमेंडेशन देगी। एग्जेम्प्ट जनरली आइदर एब्सोल्युटली, हो सकता है कि वो कुछ हिस्सा ही उसको एग्जेम्प्ट करें, या फिर हो सकता है एब्सोल्युटली पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दे। एग्जेम्प्ट जनरली मतलब जैसे छोटे डीलर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दे, बड़े डीलर्स के लिए टैक्सेबल कर दे, या इस तरह का कुछ, या पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है सबके लिए एग्जेम्प्ट है, चाहे जो मन करे वो बिजनेस उस चीज़ का करे, तो वही है आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर, या फिर कोई कंडीशन लिख दे कि इतने रुपए तक का, मान लो जिस होता है 500 रुपए से नीचे का जो शू है उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, 500 रुपए से ऊपर का है, 1000 रुपए तक के शर्ट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, उससे ऊपर होगा उसका दाम तो उस पर टैक्स, अगर ऐसा कुछ रूल्स बनाना चाहती है एलैबोरेट वाइज, ऐसा भी हो सकता है। आगे है गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स लेवल देयर ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से इतनी कथा सुनने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को एग्जेम्प्ट करने का राइट या अधिकार गवर्नमेंट के पास है, जो किसके साथ मिलके करती है, वो काउंसिल के साथ है ना, और इसके लिए खासकर क्या देखा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए जिसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, वो जनता के हितों में होना चाहिए, जनता के हित के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक,
और यहाँ पे काउंसिल भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब चाहे किसी चीज़ को वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दें, चाहे एग्जेम्प्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, कि आप ये कंडीशंस कंप्लीट करोगे तभी आपके लिए एग्जेम्प्शन है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, एग्जेम्प्शन फ्रॉम टैक्स। अब यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ द गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो यहाँ पे कुछ गुड्स के बारे में डिस्कस किया है जो एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे लाइव एनिमल हो गया, एक्सेप्ट हॉर्स, घोड़े अगर खरीदे बेचे जाते तो उस पर जीएसटी लगेगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी लाइव एनिमल है जस्ट लाइक पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, या फिर इस तरह के बहुत सारे ऐसे अभी और भी काउ डेयरी फार्म हो गए, उन सब में अगर खरीद फरोख्त होता है उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती है। लाइव एनिमल समझ गए सब लोग, इवन डॉग्स खरीदते हैं लोग, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। आप लोगों में से कुछ लोग के पास डॉग होगा, जो आप लोग ने डॉग खरीदा होगा, किसी के पास है क्या? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिबल वेजिटेबल रूट्स एंड ट्यूबर्स, है ना, यानी जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, सीरियल्स यानी अनाज हो गया, फिश नॉट फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड, फिश जो फ्रोजन ना हो, प्रोसेस्ड ना हो, रॉ सिल्क हो गया, है ना, इन सब के ऊपर ये सब प्रोडक्ट हैं पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ठीक, अब देखिए सम ऑफ द सर्विसेज भी बात करेंगे जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द जीएसटी। हालांकि सब लिस्ट बहुत लंबी लंबी है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स आपको उठा के दे दिया, कम से कम आप भी समझ लो और बोलने लायक रहो कि इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय द आरबीआई, आपको पता है आरबीआई हमें कोई डायरेक्टली सर्विसेज तो देती नहीं है, लेकिन जो भी सर्विसेज देती है बाकी बैंकों के आप हमें देती है, अगर कुछ ऐसी सर्विसेज है जैसे बैंक ओम्बड्समैन की सर्विसेज है, तो जो भी सर्विसेज हमें देती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है जीएसटी पे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है उनकी सर्विसेज पे। सर्विसेज बाई अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, यानी अगर विदेशी राजदूत कोई भी अगर भारत में अगर है वो सर्विसेज दे रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। मान लो अमेरिका का एम्बेसी यहाँ पे है, यहाँ पे उसका डिप्लोमेटिक फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन यहाँ पे रहता है, वो कोई जीएसटी नहीं देगा, उनके लिए सब एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे या उनकी सर्विसेज पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, वो जो भी सर्विसेज देते हैं, है ना, वीज़ा वीज़ा बनाने का या जो भी है परमिशन वर्मिशन देते हैं, उन सब पे कोई जीएसटी नहीं लगती। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, सबको पता है टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगती। ट्रांसमिशन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आप सभी को पता है इस पर भी जीएसटी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, मैं इसका रीज़न भी आपको बता दे रहा हूँ। इस पर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको बता दूँ इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से टैक्स लगता है और इसीलिए जीएसटी नहीं लगती है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, उस पर अलग टैक्स बनाया गया है। सर्विसेज बाई एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी सर्विसेज जो किसके द्वारा दी जा रही है, बाई एन ऑर्गेनाइजर, है ना, टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, अगर एग्जीबिशन अगर लगा रहे हो कोई भी, अगर अगर इंडिया का बंदा अगर विदेश में जाके अगर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, अगर आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, हम कोई टैक्सेस नहीं ले जाएंगे, कोई टैक्सेस नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, क्या हो गया मोहसिन? मोहसिन तुम लोग का क्या हो गया? मोहसिन कोई इशू है? हाँ सर, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, हमें क्यों बोलें? हाँ कुछ नहीं। अच्छा, तो कौन वहाँ पे बोल रहा था? सर ये कौन कर रहा है? कौन कॉल कर रहा है? नहीं सर, ये कौन कर रहा है ये चीज? नहीं नहीं वो गलती से कभी कभी स्क्रैच हो जाता है। अब चलो देखें यहाँ पे है क्या। सम सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, तो आरबीआई की सारी सर्विसेज की बात करते हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन की सारी सर्विसेज की बात करते हैं, और सर्विसेज जो ब्रिज या पे ये जो टोल चार्जेस जो होते हैं ना, टोल चार्जेस पे भी कोई सर्विसेज बाई वे ऑफ एक्सेस ऑफ टू अ रोड या ब्रिज, किसी रोड पे जाने का या फिर कह लो ब्रिज पे जाने का जो एक्सेस देते हैं, दैट मीन्स टोल चार्जेस वहाँ लगता है, इसीलिए वहाँ जीएसटी नहीं लगती।
टोल चार्जेस अपने आप में एक टैक्स होता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपको पता है एक तरह का टैक्स लगता है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन, यानी कि मैंने आपको बता दिया अगर अगर आप विदेश में अगर क्या लगा रहे हो, अपना एग्जीबिशन लगा रहे हो, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी, वो भी एग्जाम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिटेल लिस्ट अवेलेबल इस साइट, आप इस साइट पे भी जा करके आप डिटेल लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे आना है, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई को शुरू करने से पहले मैं अभी तक के टॉपिक में क्वेरीज करना चाहूँगा कि कुछ अगर डाउट है तो उसे क्लियर कर लिया जाए। ठीक है,